हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए फ्रेंड्स, आज बनाते हैं और एक डिलीशियस डेजर्ट यानी मिठास या मिठाई की रेसिपी। मिठाई तो नहीं बोल सकते हैं, वन टाइप ऑफ होममेड डिलीशियस रेसिपी है जो सीमिया से बनता है। तो आज हम बनाएंगे सीमिया खीर। अब उसको कहीं कहीं पे सीमिया पायस बोलते हैं, सीमिया खीर भी बोला जाता है। और उसको लेके कोई कोई जैसे कि ब्रेकफास्ट ही बनाते हैं, जैसे कि उपमा अफवा उस टाइप का कुछ बनता है। तो आज हम बनाएंगे सीमिया का खीर। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है, देन नेक्स्ट प्रोसेस। तो बने रहे वीडियो में, सेम टू सेम आप इसी तरह बना सकते हो। बहुत सारा त्यौहार है हमारे इंडिया में, तो हर सारे त्यौहार में बनाया जाता है। तो आप अगर घर में किटी पटी रखे हो तो उसके लिए ही बना सकते हो, नहीं तो ऐसे ही डिनर में या लंच में खाने का मन किया तो भी बना सकते हो। तो चलिए देर नहीं करते, शुरू करते बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले देख लेते हैं सीमिया पायस बनाने के लिए हमको क्या क्या मेन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है। तो ये स्वीट या मिठास के लिए हमें ले लिया शुगर, ये फ्लेवर के लिए मैं ले लिया बे लीफ, और ड्राई फ्रूट में मैं लिया हूँ ये हमारा कैसनट यानी काजू, और एक चीज़ लिया हूँ ये हमारा है आलमंड, और एक फ्लेवर के लिए मैं ऐड करेगा ये हमारा कारमम इलायची, ये आ गया हमारा सीमिया, 3 पैकेट सीमिया लिया मैंने। तो और मैं उसमें यूज़ करूँगा ये हमारा अमूल तेज का फैटलेस मिल्क, सबसे जितना भी ब्रांड आ रहा है मुझे तो सबसे यही बेस्ट लग रहा है। अगर आप इसको यूज किया हो पहले तो बताइए, नहीं किया हो तभी बताइए, बट ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। मुझे अच्छा लगा इसने बता दिया, भाई जेन्युइन है ये, नहीं झूठ नहीं बोलना है, मुझे अच्छा लगा। बट गाय का दूध अगर मिलता है, भैंस का दूध मिलता है, वो भी सुपर डिलीशियस नंबर वन बनेगा, देसी स्टाइल में बनेगा, ये भी उससे बेहतर बनेगा। तो चलिए प्रोसेस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मिल्क को हम गर्म कर लेंगे, तो इसको इसी तरह कटिंग कर लेते हैं, कटिंग करके ये पैन का अंदर डाल देते हैं। अभी हम गैस को ऑन कर लिए हैं, ऑन करने के बाद ये हमारा सस्पेन आ जाएगा इसका ऊपर, इसको ओनली फॉर उबलने तक गर्म करना है। बीच बीच में आप चलाते रहिए, मैं भी चलाऊंगा, नीचे जलने का चांसेस रहता है, जलेगा नहीं, इसको धीरे धीरे से चलाते रहिए। तो ये उबलना होते होते इधर हम दूसरा काम कर लेते हैं। अभी हम कढ़ाई में ऐड करेंगे ये हमारा देसी घी। घी हमारा मेल्ट होने के बाद उसके अंदर जाएगा ये हमारा कैसनट। आप चाहे तो किशमिश ऐड कर सकते हो, बट मैंने किशमिश ऐड नहीं कर रहा हूँ। ये सिर्फ किशमिश नहीं, और भी बहुत सारा ड्राई फ्रूट आप ऐड कर सकते हो, अपना मनपसंद के ड्राई फ्रूट। तो इसको थोड़ा कैसनट को अच्छा से रोस्ट कर लेंगे। हमारा कैसनट अभी मस्त वाला गोल्डन ब्राउन हो चुका है, उसको निकाल लेते हैं। अभी हम ये जो हमारे पास वर्मीसेली है उसको अच्छे से थोड़ा रोस्ट कर लेंगे, घी रोस्ट, क्योंकि रोस्ट करने के बाद जो फ्लेवर आएगा ना उसका खीर का, सुपर एंड डिलीशियस वाली फ्लेवर। तो मेरे पास है 3 पैकेट, तो 3 पैकेट हम डाल के उसको अच्छा से रोस्ट करना है। उसको चाहे तो तोड़ सकते हो, बट ऐसे ही टूट जाएगा वो। उसको ऐसे ही स्लो मीडियम फ्लेम में धीरे धीरे से अच्छा से रोस्ट करना है घी के साथ। सीमे को रोस्ट करने के साथ साथ ये जो हमारा दूध है साइड से हमने बैठा के रखा है, इसको भी चलाते रहिए, क्योंकि ये नहीं तो जल जाएगा। तो सारे मेहनत पानी में चला जाएगा। सीमिया हमारा ऑलमोस्ट रोस्ट हो चुका है बढ़िया से, दूध भी हमारा उबल चुका है। अब ये उबलता हो दूध हम डालेंगे सीमिया के अंदर। ये दूध हमारा जाएगा अभी ये सीमिया के अंदर। अभी हम फ्लेवर के लिए ऐड करेंगे ये हमारा कारमा मैंने छोटी इलायची, अब आगे बेलीफ, इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ 200 ग्राम शुगर, क्योंकि मुझे ज़्यादा भी नहीं चाहिए कम भी नहीं चाहिए, बराबरी चाहिए। तो मैंने शुगर ऐड कर लिया, उसको 5 से 7 मिनट तक अच्छा से धीरे धीरे स्लो मीडियम फ्लेम में फुटाते रहना है। अब जाएगा इसके अंदर ये हमारा रोस्टेड केसनट,
अभी मेरे पास जो ये आलमंड, उसको हम गार्निश देंगे ऊपर से। आपके पास अगर पिस्ता है तो यूज कर सकते हो, तो उसको इस तरह पतले पतले करके पूरा थीन कटिंग कर लेना है। इसी तरह कटिंग कर लीजिए, डाल सकते हो। ये हमारा आलमंड का स्लाइस ऑलरेडी कटिंग हो चुका है। अभी देखते हैं हमारा खीर कितना तक गया है। ऑलमोस्ट हो चुका होगा, देख लेते हैं। हमारा खीर भी मस्त कलर एंड ठीक हो चुका है, अभी पूरा बन गया है। तो अभी उसको करते हैं प्लेटिंग और खा के बताते हैं कैसा बना है। अभी हम सिवे कर लेते हैं प्लेटिंग। तो प्लेटिंग करने के लिए ले लिया मैंने एक बढ़िया सा प्लेट। तो ये आ गया हमारा खीर। ऊपर से हम ऐड करेंगे ये हमारा आलमंड स्लाइस। अभी ये हमारा त्यौहार वाली सेमिया खीर बन के होगा तैयार। मज़ा लीजिए सेमिया खीर का। रेसिपी अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। अभी टेस्ट करके बताते हैं। मुझे तो पूरा खाने का मन कर रहा है। लगता है इसका डिनर ही आज हो जाएगा और कुछ नहीं चाहिए। बट इसका साथ आप परोठा या चपाती या प्लेन रोटी ले सकते हो, बहुत ही मज़ा आएगा। लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, एवरी टाइम, ऑल टाइम फेवरेट रेसिपी। और त्यौहार में तो बनता ही है। तो चलिए, और कुछ नहीं दोस्तों, रेसिपी अच्छा लगता है लाइक कर दीजिए। चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत अच्छा लगता है, शेयर बनता ही है क्योंकि बहुत मेहनत लगता है एक एक रेसिपी क्रिएट करने में। फिर मिलते हैं न्यू रेसिपी न्यू एपिसोड पे। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।